भागलपुर से बड़ी खबर। भागलपुर में बम विस्फोट, दो बच्चे घायल, हालत गंभीर। आपको बता दें, जिले में गुरुवार की दोपहर बम विस्फोट की घटना सामने आई है, जिसमें दो बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंबाई पंचायत स्थित मनोहरपुर गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंबाई पंचायत स्थित मनोहरपुर गांव के बगीचे में एक चबूतरे के पास झाड़ियों के बगल में बम रखा था, जहां इस दौरान आम पीने गए दो बच्चों ने एक डिब्बा पड़ा देखा, जिसे उठाकर खोलने लगे और तभी धमाका हो गया। इससे दोनों बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान बलबीर कुमार और टिशू कुमारी के तौर पर हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल बच्चों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचाया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मौके पर मधुसूदनपुर पुलिस के अलावा मुख्यालय इंस्पेक्टर भी पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद परिजनों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। पानी और मिट्टी के लेप से जमीन पर गिरे जो खून के जो ब्लड के स्पॉट हैं, उनको धोकर मिटाने की कोशिश की है। हालांकि मिट्टी से लेपे जाने के बाद भी जगह जगह जो ब्लड के स्पॉट हैं, जो ब्लड के धब्बे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। दोनों घायल बच्चों में बेटे की हालत गंभीर बताई गई है और दोनों घायल बच्चों का जो इलाज है मायागंज हॉस्पिटल में चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की गई? ऐसा क्या था जो सबूत मिटाने की कोशिश की गई? क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी, जिसमें गांव के लोग शामिल हैं? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।